तो आपका स्वागत है एक्सेल स्मार्ट वे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अपन जो मोबाइल में यूज लेते हैं एक्सेल चलाने, वर्ड चलाने, पावर पॉइंट चलाने, पीडीएफ आदि आदि जैसी चीज़ें देखने के लिए यूज में लेते हैं, उन सब का ऑल इन वन कॉम्बो आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐप आया है ऑफिस, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो ये है ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें सारे ऐप ऐप का कॉम्बिनेशन है, मतलब ऑल इन वन आपके सारे काम हो जाएंगे। एक्सेल हुआ, वर्ड हुआ, चाहे से देखा जाए तो पीपीटी, पावर पॉइंट, एक्सेल, पीडीएफ, और जो आता है लेंस, लेंस का भी काम, यानी कि उसको उसको पीडीएफ बनाने, फोटो से पीडीएफ बनाए। तो चलिए आइए उस ऐप को देखते हैं। तो ये ऑफिस ऐप है, तो देखिएगा इसमें सारा वर्ड, एक्सेल, एक्सेल पावर पॉइंट सारी चीज़ें हैं, वर्ड फाइल, डॉक्स, मतलब एक में सारे काम। इस ऐप की जो स्टोरेज है वो 90 MB के समथिंग है, जो सॉरी स्टोरेज नहीं, जो डाउनलोड की जो साइज है वो है 90 से 100 MB के बीच में है, और जो स्टोरेज लेता है वो 300 MB के अप्रोक्सीमेट लेता है। फिर इसको आगे देखते हैं अपन, तो इसको ऐप को देखते हैं, चलिए आइए। तो अपन सबसे पहले देखते हैं होम पे, तो होम पे सारे ऑप्शन आ जाए, जैसे आपको वर्ड देखना है तो वर्ड पे दबाया तो वर्ड की फाइलें खुल गई, और जैसे होम लेते हैं बैक, तो जैसे एक्सेल की देखनी है तो एक्सेल एक्सेल की खुल गई, और होम पे सारा सारा कुछ आ जाएगा, जैसे फोटो है वगैरह है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह फाइल पे जाते हैं तो नई फाइल खोलनी हो तो उसके लिए है ड्राइव से खोल सकते हो, या अपनी फ़ोन में जो डाटा है उससे खोल सकते हो। ये सर्च बार है, ओके। फिर बाद में अपन देखते हैं इधर, ये जो एंड का निशान है इसको देखते हैं, इसमें नोट्स बना सकते हैं, नोट्स के लिए दिया हुआ है। देन नोट्स के बाद दूसरा है लेंस का, इसमें क्या होता है सर, जैसे किसी डॉक्यूमेंट्स का फोटो खींचनी हो, जैसे कैम स्कैनर आता है वैसे ही बहुत अच्छा ऐप आता है इसका, उसको भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो ये लेंस का वो काम आता है कि किसी डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी की पीडीएफ बनाना, उसी तरह डॉक्यूमेंट्स है इसमें वर्ड वर्ड वगैरह, वर्ड वर्ड हुआ और एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आते हैं। इसी तरह इसमें जैसे इनमें भी क्या है, स्कैन का ऑप्शन आता है, जैसे किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया तो वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, टेबल एक्सेल के लिए हुआ। इसी तरह पावर पॉइंट में फोटो डाल, फोटो खींच के शीट में ऐड हो जाएगी, तो और ये ब्लैंक ब्लैंक के लिए है, ये है। तो इस तरह ये वाला टैब हो जाता है। उसके बाद आते हैं एक्शंस पे, एक्शंस पे क्या है, ट्रांसफ़र फाइल, शेयर नियर भी ट्रांसफ़र फाइल है, ट्रांसफ़र फाइल, शेयर नियर भी, और इमेज टू टेक्स, इमेज टू टेबल, और सिंगर पीडीएफ, सिंगर वगैरह वगैरह। जैसे नीचे पिक्चर टू पीडीएफ वो लेंस के द्वारा हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स टू पीडीएफ, स्कैन क्यूआर कोड, तो इस तरह ये ऐप का इंटरफेस दिया हुआ है। बाकी वास्तव में बहुत अच्छा ऐप है पीडीएफ भी देखने के लिए,
शानदार ऐप है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक फाइल खुली है पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए भी नॉर्मली ड्राइंग मार्किंग वगैरह के लिए अच्छा है, सिग्नेचर वगैरह सबके लिए बढ़िया। पीडीएफ का भी एक्सपीरियंस है जो सबसे अच्छा रहा मेरा इसमें, और सारी चीज़ें मतलब कॉम्बिनेशन वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर ऐसे ऐसा देखा जाए तो और भी ऐप है ऐसे, लेकिन उनमें क्या है ऐड भर भर के देते हैं और उनकी सिक्योर उनमें ऐसे फंक्शन नहीं आते। जैसे अपन इसमें एक्सेल में फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, और जो अदर ऐप आते हैं उनमें अपन नहीं ले सकते। ठीक है, तो दोस्तों यह है नए उसके बारे में। अभी ये प्ले स्टोर पे आया नहीं है, ये बीटा वर्जन में है, बाकी मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा। तो ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।